दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो मैं बात कर रहा हूँ इस हफ्ते रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है नाइट्स आउट। इस मूवी के बारे में मेरे काफी सब्सक्राइबर लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि भाई इस मूवी का रिव्यू करो, तो फाइनली मैंने इस मूवी को जाके देख लिया। और ये मूवी देखने के बाद मुझे कैसा लगा मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट करो सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस, और हाँ वीडियो को लाइक करें ना भूले। चलिए शुरू करें हमारा आज का ये वीडियो। ये एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है। इसके राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है रायन जॉनसन। इसमें हमें नजर आते हैं डैनियल क्रेग, क्रिस इवेंस, एना डे अर्मस, जेनी ली कर्टिस, माइकल शेनन, डॉन जॉनसन, टोनी कोलाइट, लेकिट स्टैनफील्ड, कैटरीन जेडेन और क्रिस्टोफर प्लम्पर। इस मूवी की कहानी शुरू होती एक क्राइम नॉवेलिस्ट हार्लेन ट्रॉम्बे से, जिसका यहाँ रोल प्ले किया है क्रिस्टोफर प्लम्पर ने। वो अपने पूरे फैमिली के साथ अपना 85th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसी रात उनका मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर किसने किया, हार्लिन की फैमिली में से कोई या उनका देख रेख कर रहे नर्स मार्टा कब्रेरा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर बता दूँ कि मार्टा कब्रेरा का रोल प्ले किया आना डे अर्मस ने। डैनियल क्रेग इस मूवी में रोल प्ले कर रहे डिटेक्टिव बेनोट का, जो इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करते। मैं बता दूं आपको कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी। मूवी की बात करूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री पे बनी हुई फिल्म होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी एक अलग तरीके की फिल्म है। स्टार्ट के 50 मिनट में आपको पता चल जाता है कि मर्डर किसने किया, लेकिन उसके बाद आपको जो ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं वो कमाल है। अब बात करता हूँ मैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में मुझे डैनियल क्रेग का परफॉर्म बहुत अच्छा लगा। लास्ट के 25 मिनट पूरे के पूरे बिलोंग करते हैं डैनियल क्रेग के, और उन्होंने लास्ट के 25 मिनट में ये साबित कर दिया कि वन ऑफ दी बेस्ट एक्टर है हॉलीवुड के। इसके अलावा इसमें एना डे अर्मस जिसने अभी रोल प्ले किया मार्टा का, एना का रोल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उसकी एक्टिंग से ज़्यादा मुझे उसकी जो फनी सीन्स थे, जैसे कि उसका यहाँ पे एक फनी सीन ये है कि जब भी वो झूठ बोलती तो वो वॉमिट करती है, तो इस तरीके के उसके तकरीबन 3 से 4 सीन बताए गए, और जब भी वो सीन्स आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। उसके अलावा जब वसीयत की अनाउंसमेंट होती है तो जैसे कि तब फैमिली वाले किस तरीके से चूहे बिल्ली की तरह झगड़ा करते हैं, वो सीन देख कर आपको हंसी आएगी। प्लस यहाँ पे क्रिस इवान का एक सीन है, वो भी एक फनी सीन है, उसमें भी आपको बहुत हंसी आएगी। तो कुल मिला के इसमें मूड फ्रेश करने के लिए जो कॉमेडी सीन्स डाले गए वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि फालतू में डाले गए, वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छे जा रहे थे। और क्रिस इवेंस की बात हो तो क्रिस इवेंस का रोल, उनका स्क्रीन टाइमिंग इतना नहीं है इस मूवी में, लेकिन जितना भी है इम्पोर्टेंट रोल है उनका। और बस मैं तो यही बोलूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ये मूवी जाके देखिए, क्योंकि पर्सनली मैं तो ये मूवी देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कहीं से भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरा पैसा वेस्ट हुआ। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ दी बेस्ट मर्डर मिस्ट्रीज पे बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म का पूरा श्रेय जाता है कि डायरेक्टर और राइटर को, दोनों ही एक यानी रायन जॉनसन को, बहुत ही अच्छी फिल्म लिखी है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने डायरेक्ट भी किया। इसके अलावा डैनियल क्रेग को, जिन्होंने लास्ट के 25 मिनट में आग लगा दिए और बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूं आपसे कल किसी नए वीडियो में। चलते हैं।